हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो के बाद ना आप किसी की मिन्नत नहीं करोगे कि भाई मुझे ये वाला फ्लैग दे दो, भाई मुझे वो वाला फ्लैग दे दो। खुद बनाओ भाई, खुद बनाओ फ्लैग सारे, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है ना भाई, मैंने पीटीआई का फ्लैग मांगे इधर उधर से, किसी ने रिप्लाई तक नहीं दिया भाई। मैंने कहा छोड़ो, आज के बाद किसी की मिन्नत नहीं करूंगा, खुद पे भरोसा रखो, खुद वो चीज बनाओ, ठीक है। मैं भी भाई खान का ही फैन हूँ, ना खुद कभी झुकूंगा और ना अपने व्यूअर्स को कभी छुपने दूंगा। तो भाई आज आप लोगों को बताता हूँ कि पीटीआई का फ्लैग आप लोग कैसे बना सकते हैं, पीटीआई का बैनर आप लोग कैसे बना सकते हैं। पीटीआई के फ्लैग को छोड़ो यार, कोई भी फ्लैग, कोई भी बैनर आप कैसे बना सकते हैं। और भाई इस बात में मैं ना द नूब को यार स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कि उसने मुझे बैनर बनाने में हेल्प की है, ठीक है। उसकी वीडियो देख के मैं बैनर बनाना सीखा हूं। अगर तो आपने भी नूब की वीडियो देखनी है तो भाई जाके नूब की वीडियो देखो, खरा बंदा है भाई, खरा। मुझे नहीं पता कि यार बहुत से लोग ऐसे हैं ना यूट्यूब पे, कहते हैं कि भाई हमारे पास है तो हम लोग इंजॉय करें, ये नहीं कहते कि यार अगर तुम्हारे पास है अपने व्यूअर्स को भी दो भाई, वो लोग भी इंजॉय करें। ऐसा थोड़ी होता है भाई। यार मेरे पास जो चीज आएगी, जो मोड मेरे पास आएगा, हर एक चीज आपके साथ शेयर होगी, ठीक है, हर एक चीज आपके साथ शेयर होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जो है ना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीटीआई मोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद ऐसी फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी जिसमें आपको मिलेगा होंडा सिविक टाइप आर, जो कि लास्ट गेम में मैंने यूज की थी। और आप लोग बोलोगे कि यार क्या गाड़ी थी भाई, क्या गाड़ी थी, ठीक है। उसके बाद इमरान खान भी मैं आपको दे दूंगा, इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। पीटीआई बैनर है, पीटीआई कार फ्लैग है और पीटीआई फ्लैग मेन फ्लैग जो होता है वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसको पोल पे कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मॉडर्न हाउस फुड है, ठीक है, इसको भी आपने यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइल आ जाएंगी मॉडर्न घर की, वो वाला घर है जिसको मैंने जो है ना लास्ट गेम में यूज किया था, इमरान खान का घर बनिंग वाला हाउस बनाया था, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना पीटीआई का फ्लैग कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है। पीटीआई का फ्लैग ये जो है ना मैंने स्कॉटलैंड के झंडे के साथ इसको जो है ना चेंज किया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ओपन आईवी को ओपन करना है, मोड्स में जाना है, उसके बाद X64CRPF, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने लेवल्स पे जाना है, ठीक है। उसके बाद GTA 5, उसके बाद जो है ना प्रॉप्स पे आप लोगों ने चले जाना है, ठीक है, बिल्डिंग पे चले जाना है। उसके बाद V_rooftop.rpf, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो नीचे आप आओगे ना, यहाँ पे स्कॉटलैंड वाला ये है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इस फाइल को ऐसे करना है, ठीक है, पकड़ना है और यहाँ पे जो है ना फिंग सबसे पहले आप लोग ना एडिट मोड को ऑन कर लोगे, ठीक है, वरना उसके बगैर जो है ना फाइल नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपका जो है ना फ्लैग वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर तो फिर भी आपका चेंज नहीं होता तो आप कमेंट में बताओ कि भाई मेरा चेंज नहीं हुआ, थोड़ी हेल्प करो, फिर मैं आपको और भी तरीके बता दूंगा कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखो जो पीटीआई का कार फ्लैग है, ठीक है, कार फ्लैग में आप लोगों को क्या करना है, आपने इसको क्या करना है, रिनेम करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है आपने इसको। और आपने बैग चले जाना है, ठीक है, बैग जाके आपने यहाँ पे टूल्स पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, सर्च करना है यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सर्च फाइल सर्च होगी ना तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है, देखो, ठीक है, ये जो है ना मोड्स फोल्डर में है, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना, मैंने ऑलरेडी इसको चेंज किया हुआ है, ठीक है, ये देखो मैंने ऑलरेडी इसको चेंज किया हुआ है, आप लोग इसको चेंज कर ले क्योंकि आपके पास यहाँ पे US का फ्लैग आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये फाइल यहाँ से पकड़नी है और यहाँ पे जो है ना ला के छोड़ देनी है, तो आपका ये जो ना कार वाला फ्लैग भी आप लोगों का चेंज हो जाएगा। उसके बाद बैनर की बारी आ गई है, बैनर के लिए भी आप लोगों ने ओपन आईवी को ओपन करना है, मैंने क्लोज कर दिया है तो उसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपनी मर्जी का बैनर कैसे बना सकते हैं और आप अपनी मर्जी का फ्लैग भी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से हम इसका एडिट मोड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये फाइल जो है ना इसको हम रीनेम करेंगे और यहाँ पे जो है ना इसको कॉपी कर लेंगे, इसके नाम को हम लोग कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, सर्च में जाएंगे और यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास जो है ना आपको यही सर्च करना है 01 वाला, ठीक है, ऊपर भी आएगा लेकिन उसके आगे ड्रेसिंग लिखा होगा YDR.YDR, इस पर आपने क्लिक नहीं करना है, जस्ट 01.YDR इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी। तो अभी आपने क्या करना है, ये वाली फाइल जो है ना, ये वाली ये, तो भाई यहाँ पे जो है ना आपने इस वाली फाइल को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप लोग यहाँ पे चेक करोगे,
आपकी जो है ना यहाँ पे बैनर भी आप लोगों का चेंज हो गया होगा। ठीक है, ये तीनों फ्लैग हमारे जो हो गए हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कि भाई आपने जो है ना पोल पे कैसे लगाना है। सबसे बड़ा मसला जो है ना पोल पे लगाने का है। ठीक है, पोल वाला फ्लैग आपको कैसे चाहिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना सर्च में जाना है। ठीक है, सर्च में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने सर्च क्या करना है। देखो, आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है STT। ठीक है, इसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे प्रॉप PROP प्रॉप, उसके बाद अगेन अंडरस्कोर, फिर उसके बाद फ्लैग पोल लिखना है आपने। ठीक है, फ्लैग पोल आपने लोग आपने लिखना है, फिर उसके बाद अगेन अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे लिखना है 1C। ठीक है, ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है। ये आप लोगों ने सर्च कर लिया, ये आ गया। ठीक है, अगर तो आपका ये मॉड फोल्डर पे नहीं होगा तो आपने कॉपी टू मॉड कर लेना है। ठीक है, कॉपी टू मॉड आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप लोग इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे ऐसा आपके पास आएगा। लेकिन आप लोगों ने अभी क्या करना है, ये नीचे जो है ST फ्लैग पोल, ठीक है, YDD, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपका जो है ना दूसरा फ्लैग होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे जीरो वाला फ्लैग होगा, ठीक है, XERO वाला फ्लैग यहाँ पे होगा। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस जैसे आप करोगे, जो मैंने आपको फाइल दी हुई है, ठीक है, PTI मोड की, उसमें ये वाला फ्लैग जो है, ठीक है, प्रॉप फ्लैग XERO, इसको आपने जो है ना ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपका जो है ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका PTI का फ्लैग आ जाएगा। यहाँ पे आपने सेव करना है सबसे पहले। ठीक है, फिर आप लोग जब यहाँ पे जाके चेक करोगे ना, यहाँ पे जाके, तो आपका फ्लैग यहाँ पे देखो एड टेक्सचर जो है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ST पोल पे कर देना है। ठीक है, देखो आपका यहाँ पे जो है ना PTI का फ्लैग आ चुका है। ठीक है, ये पोल वाला फ्लैग है जो आप घर के ऊपर छत पे लगा सकते हो हर जगह पे। ठीक है, ये मैं आपको गेम में भी दिखाऊंगा कि आप गेम में कैसे कर सकते हो। उसके बाद अभी क्या रह गया, उसके बाद देखो अभी हमारा जो है ना Toyota SJ रह गया है। Toyota SJ सबको पता है कि यार इसको कैसे करना है। यहाँ से आप लोगों ने इसको कॉपी करना है। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है और उसके बाद मोड के फोल्डर में आप लोगों ने जाना है। ठीक है, अपडेट में जाना है, X64 में जाना है, DLC पैक में जाना है। DLC पैक में जाना है, आपने यहाँ से जो है ना इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोबारा से बैक जाना है। यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोगों ने फिर से मोड पे आना। ठीक है, अपडेट पे आओगे, यहाँ पे नीचे अपडेट है, इस पे आओगे, कॉमन पे आओगे, उसके बाद डेटा पे आओगे यहाँ पे। ठीक है, डेटा पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना ये वाली फाइल मिलेगी, DLD लिस्ट। ठीक है, DLD लिस्ट मिलेगी, DLC लिस्ट मिलेगी, सॉरी। तो DLC लिस्ट आपको मिलेगी, आपने क्या करना है उस लिस्ट को आपने यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, DLC लिस्ट आपको यहाँ पे ढूंढनी है, गायब हो गई है यार मेरे से। हाँ, ये है, आपने उसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे जो है ना कॉपी कर देना है। ठीक है, कॉपी करना है और आपने जो है ना इसको नोटपैड पे ओपन कर देना है। नोटपैड पे जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इसकी जो है ना स्क्रिप्ट दे देनी है, जैसे Toyota SJ है। ठीक है, आपको पता है, आप लोगों ने पहले भी गाड़ी इंस्टॉल की होंगी। ठीक है, तो ये देखो Toyota SJ वाली लिस्ट जो है ना आप लोगों ने वहां पे डाल देनी है। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसको बंद कर देना है। ये आपकी जो है ना Toyota SJ जो है ना V8 आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइप आर कैसे आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये टाइप आर वाली कार, ठीक है, होंडा सिविक टाइप आर, इसको भी आपने वैसे ही करना है भाई, इसको यहाँ से उठाना है। ठीक है, इधर गया, मोड वाले फोल्डर पे जाना है हम लोगों ने अगेन मोड फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से अपडेट X64 में जाएंगे, DLC पैक में जाएंगे और यहाँ से उठा के इसको जो है ना यहाँ पे फेंक देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगेन से DLC लिस्ट जो है ना आप लोगों ने वही तरीका कर लेना जैसे आपने Toyota SJ का तरीका किया है। अगर तो आपको नहीं पता तो ये देखो, ये आपको मिलेगा, यहाँ से आपने इंस्ट्रक्शन पे ओपन करना है। ये वाली लाइन जो है, देखो ये वाली लाइन आपने यहाँ से कॉपी करके DLC लिस्ट में पेस्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे टाइप आर 23 लिखा हुआ है और Toyota SJ में टाइप आर 23 को मिटा के यहाँ पे डिलीट करके Toyota SJ लिख दोगे तो आपकी जो है ना वो भी हो जाएगी। तो ये भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रह गया इमरान खान और मॉडर्न हाउस जो है ना रह चुका है। ठीक है, हमारे पास इमरान खान को हमने कैसे करना है, इमरान खान के लिए भाई सबसे पहले आपने ना DLC पैक में ये वाली फाइल आप लोगों ने डालनी होगी, एडॉन की फाइल। आप लोग कैसे DLC पैक में डालोगे, DLC पैक में आप लोग आओगे यहाँ पे, एडॉन की फाइल को यहाँ से उठा के ना आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर
दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डीएलसी फाइल आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने बैक जाना है, ठीक है। ये जो GTA 5 लिखा हुआ है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट फोल्डर में डालनी है, ठीक है। स्क्रिप्ट की फाइल जो है ना, इसको स्क्रिप्ट के फोल्डर को आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये वाला आपने सबसे पहले बैक चले जाना है, ठीक है। स्क्रिप्ट में आप लोगों ने जाके ये वाली फाइल जो है ना, आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ये वाली फाइल भी हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये वाली फाइल जो है ना, ये वाली फाइल एड ऑन वाली, ये वाली आप लोगों ने यहाँ पे डालनी है भाई। मेन मतलब जो है ना, यहाँ के जो मेन डायरेक्टरी है भाई GTA 5 की, ये देखो GTA 5 की मेन डायरेक्टरी है भाई। कोई फोल्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेन डायरेक्टरी में आप लोगों ने ये वाली फाइल जो है ना डाल देनी है। ऐसे यहाँ पे इसको पकड़ना है और यहाँ पे लाके जो है ना छोड़ देना है, ठीक है। एड ऑन आपका जो है ना हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे इमरान खान वाला जो OIV फाइल है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे छोड़ दोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखोगा आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोड के फोल्डर में आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे आप लोग मोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे जो है ना आपका इमरान खान जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इमरान खान आपका इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई भाई। अभी इसको थोड़ा सा और काम यहाँ पे करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो गेम के फोल्डर में आप लोगों ने चले जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं जो है ना गेम लोकेशन में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप गेम लोकेशन में आप लोग चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे एड ऑन की फाइल जो है ना, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। या ऐसे जैसे आप डबल क्लिक करोगे, ऐसे ये ओपन हो गई है भाई। लेकिन अगर तो ओपन ना हुई ना, तो आप लोगों ने क्या करना है पता है, आप लोगों ने यहाँ से जो है ना राइट क्लिक करना है। उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आपने जो है ना इसको ओपन कर देना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से ओपन होगी ना, जो नाम वैसा नाम है ना इमरान खान, ठीक है, फाइल का नाम है वही, आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना क्लिक करना है, न्यू पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने मॉडल नेम इमरान खान लिख देना है, ठीक है। मेल कर देना है। उसके बाद ये जो है ना, ये आपने फाल्स करना है, ठीक है। फाल्स करके यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। ये जैसे आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे इमरान खान वाला जो है ना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने रिबिल्ड कर देना है, ठीक है। जैसे आप रिबिल्ड करोगे, यहाँ पे 5 एडॉन्स आपके जो है ना हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिद्धू मूसे वाला भी डाला हुआ है। अगर तो किसी को सिद्धू मूसे वाला चाहिए तो भाई नीचे कमेंट करना, मैं आपको सिद्धू मूसे वाला भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दे दूंगा मैं आपको सिद्धू मूसे वाला भी। तो इसको आपने बंद कर देना अभी, ठीक है। तो इसको आप बंद कर दोगे, आपका सब कुछ हो गया। अभी सिर्फ आपका रह चुका है क्या रह चुका है, आपका सिर्फ रह चुका है मॉडर्न वुड हाउस। के लिए आपको क्या करना है, मेन फाइल। सबसे पहले मेन फाइल के लिए आपको जो है ना, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है। यहाँ पे डीएलसी पैक में आप लोगों ने मोड्स में जाके अपडेट में जाके X64 में जाके डीएलसी पैक में जाके आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका नाम जो है ना कॉपी करना है। इसका नाम आप लोगों ने कॉपी करना है, ऐसे ही इसका नाम कॉपी करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ओपन आईवी में जाना है बैक में, ठीक है। बैक में जाओगे, यहाँ पे फिर से जरा मोड में आओ, अपडेट में आओ, नीचे अपडेट डॉट RPF में आओ, उसके बाद कॉमन में आओ, उसके बाद डेटा में आओ, और DLC लिस्ट जो है, DLC लिस्ट को आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। DLC लिस्ट पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे भी आप लोगों ने ना, जैसे आप गाड़ियों का ऐड करते हो ना, वैसे आपने यहाँ पे ना मॉडर्न वुड हाउस वाला भी आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। मॉडर्न वुड हाउस वाला भी आप लोग ऐड करके इसको आप जो है ना सेव कर लो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है ना मेन फाइल्स का जो है ना काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने जो है ना रिप्लेस फाइल्स में चले जाना है। यहाँ पे सारी फाइल को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने, ठीक है, ओपन आईवी को ओपन कर लेना है, ठीक है। मोड्स में हम लोगों ने आ जाना है। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना अपडेट में आ जाना है। उसके बाद X64 में जाना है, DLC पैक्स में, ठीक है। DLC पैक्स के पास यहाँ पे MP अपार्टमेंट है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद DLC.RPF में हम लोगों ने चले जाना है, ठीक है। उसके बाद X64 में यहाँ पे हम लोग लेवल पे चले जाएंगे, फिर GTA 5 पे, उसके बाद हिल्स में, उसके बाद सिटी हिल्स 2, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने चले जाना है, ठीक है। अगर तो आप लोगों को समझ नहीं आई, फिर से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, क्या करना है आप लोगों ने। देखो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना मोड्स में चले जाना है, ठीक है, मोड्स में, उसके बाद अपडेट में, उसके बाद क्या करना है 64 में, उसके बाद DLC पैक में, DLC पैक के बाद यहाँ पे MP अपार्टमेंट,
इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डीएलसी आरपीएफ पे चले जाना है, उसके बाद X64 पे चले जाना है, उसके बाद लेवल्स में चले जाना है, उसके बाद GTA 5 में चले जाना है, उसके बाद हिल्स में चले जाना है, उसके बाद सिटी हिल्स 02 इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पे होगा सिटी हिल्स मेटा डाटा, ठीक है, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी फाइल्स यहाँ से उठा के आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। ये सारी फाइल्स आप लोगों ने यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का काम खत्म हो गया, ठीक है। हमारा जो है ना सारी की सारी फाइल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पे मॉडर्न वुड हाउस भी हमारा हो चुका है, उसके बाद हुंडा सिविक टाइप आर भी हमारी हो चुकी है, इमरान खान भी हमारा हो चुका है, पीटीआई बैनर भी हमारा हो चुका है, ठीक है। पीटीआई कार फ्लैग भी हमारा हो चुका है, पीटीआई फ्लैग जो मेन है वो भी हमारा हो चुका है, टोयोटा एसजे भी हमारी हो चुकी है, ठीक है। ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अभी हम गेम में चलते हैं, आपको बताता हूँ कि आप लोग फ्लैग को कैसे आप लोग स्पॉन कर सकते हो। उसके बाद जो है ना जो घर में आपको दिखाता हूँ, घर में आप लोग कैसे जा सकते हो, कार का भी दिखाता हूँ मैं, आप कार को भी कैसे जो है ना स्पॉन कर सकते हो, सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे गेम में आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारे फ्लैग यहाँ पे ठीक से वर्क कर रहे हैं, गाड़ी हमारी वर्क कर रही है, और जो हमने मॉडर्न घर बनी गाला घर डाला था क्या वो हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है ना मेन्यू ट्रेनर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्पिनर पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पिनर को भी हम लोग ऑन कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे स्पॉन एंटिटी 2 into Worlds पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद सर्च में जाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लैग भाई, फ्लैग हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, उसको हम सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने सर्च करना है हमारा जो है ना पीटीआई का फ्लैग कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले ये वाला फ्लैग हमारा आ चुका है, पोल फ्लैग, जिसे हम जो है ना घर की छत पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये लो सबसे पहले से हम जो है ना घर की छत पे लगा देते हैं, ये देखो हमारा फ्लैग जो है ना घर की छत पे लग चुका है। उसके बाद दूसरा फ्लैग हमारे पास देखो गाड़ी वाला फ्लैग हमने देखना है, ठीक है। पोल वाले बहुत से फ्लैग आपको मिलेंगे, ठीक है। एक ये वाला फ्लैग है, इसके बाद एक बड़ा फ्लैग भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखो एक ये बड़ा फ्लैग आपको मिलता है, ठीक है, पोल वाला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना और सर्च करेंगे, यहाँ पे अभी हमने जो है ना गाड़ी वाला फ्लैग सर्च करना है, गाड़ी वाला फ्लैग हमें मिलेगा या नहीं, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो गाड़ी वाला फ्लैग भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, जिसका नाम है INDPROP DLC Flag 02। इसको हम जो है ना यहाँ पे स्पॉन कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने जो है ना गाड़ी के साथ अटैच कैसे करना है, सबसे बड़ी बात यह, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अटैचमेंट ऑप्शन में जाएंगे और अटैच टू समथिंग में करेंगे। उसके बाद जो है ना गाड़ी, सबसे पहले इस गाड़ी को हमने जो है ना यहाँ पे अपने डेटाबेस में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और झंडे पे क्लिक करना है। उसके बाद अटैचमेंट ऑप्शन में जाना है, अटैच टू समथिंग में जाना है, उसके बाद इस गाड़ी पे क्लिक कर, जिस भी गाड़ी को आपने करना है ना उस गाड़ी को आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये लग चुका है। उसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट पे जाके हम लोगों ने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको अभी हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कि इसको हम कहाँ पे लगाएं, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप लोग ना इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो अभी ये जो है ना पूरे तरीके से जो है ना बम्पर के साथ लग चुका है, ठीक है। अभी हम ना गाड़ी में बैठ के कहीं भी हम जाए ना, हम लोग इसको ये झंडा जो है ना हमारे साथ ही जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल पूरे तरीके से जो है ना गाड़ी के साथ एडजस्ट हो चुका है। ये देखो ठीक है। अभी जो क्या करना है, अभी हमने टाइप आर को हमने जो है ना स्पॉन करना है, ठीक है। टाइप आर गाड़ी जो हमने डाली थी उसको हमने स्पॉन करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद व्हीकल ऑप्शन में जाना पड़ेगा, व्हीकल स्पॉनर में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट पे आते हैं, ठीक है। इनपुट पे आके हमने लिखना है टाइप आर 23 जो उसका नाम है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी जो ना टाइप आर आ जाएगी, ठीक है। अभी आपके पास ये गाड़ी ऐसे आएगी, ठीक है, ये गाड़ी आपके पास ऐसे आएगी। सबर यार, ये गाने को बंद करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इस गाने को बंद करते हैं, उसके बाद इस गाड़ी को ठीक करने का तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी आपके पास ना ये गाड़ी ऐसी आएगी, ठीक है, फुल नहीं आएगी। इसको ठीक करने के लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, ठीक है, F8 प्लस करोगे, ठीक है। व्हीकल ऑप्शन में जाओगे आप लोग, यहाँ पे मेन्यू कस्टम में जाओगे और नीचे आपने इसको ऑटो अपग्रेड कर देना है, ठीक है। ऑटो अपग्रेड करोगे यहाँ पे ये गाड़ी जो है ना फुल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके शीशे जो है ना वो ब्लैक है, अगर तो आपने शीशों को आप लोगों ने लाइट करना है तो आप लोग यहाँ से ऊपर चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो विंडोज है, विंडोज पे आप लोगों ने जाके इसे जो है ना नन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो है ना गाड़ी पूरे तरीके से ठीक हो चुकी है। अगर तो यहाँ पे अंदर का व्यू आपको चेक कराएं, ये देखो इंटीरियर इसका चेक कराते हैं, ये देखो जरा गाड़ी का इंटीरियर आप लोग चेक करो जरा, ठीक है। ये गाड़ी का इंटीरियर है और ये बाहर से गाड़ी है भाई। उसके बाद अब जो है ना V8 को हम लोगों ने लेके आना, ठीक है। V8 को हम लोग कैसे लेके आएंगे, उसका भी यही हिसाब है,
ठीक है, व्हीकल ऑप्शन में जाएंगे, व्हीकल स्पॉनर में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे टोयोटा SJ लिखेंगे, टोयोटा SJ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना V8 आ चुकी है, ठीक है, इसको भी आप ना वैसे ही मतलब कि अपग्रेड कर सकते हो, और ठीक है इसकी जो है ना नंबर प्लेट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ आप लोग जो है ना चेंज कर सकते हो, आप लोगों को पता है। तो उसके बाद हमारा वो इमरान खान का जो है ना घर रह चुका है, ठीक है, इमरान खान का घर, इमरान खान के घर से पहले इमरान खान भी तो रह चुका है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसे हमने यहाँ पे एल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एल को हम ओपन करके हमारा पेट्स एड ऑन पेट्स जो है ना इसको ये जो है ना ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्लिक करना है एड ऑन पेट्स पे, यहाँ पे इमरान खान है, इमरान खान पे लेके आके हम लोगों ने इंटर दबा देना है, ठीक है। जैसे हम लोग इंटर दबाएंगे यहाँ पे इमरान खान हमारा आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक स्पेस करके हमने यहाँ पे एड ऑन सिलेक्टर को हमने बंद कर देना है, उसके बाद देखो इमरान खान हमारा आ चुका है, ठीक है। अगर तो फिर भी आप लोगों का नहीं आए, कोई मसला कर रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई मेरा इमरान खान जो है ना काम नहीं कर रहा, वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना घर जो था इमरान खान का घर, आप लोगों ने मैप पे आ जाना है, मैप आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। ये लोकेशन आप लोग चेक कर लो, ठीक है, ये लोकेशन आप लोग देखो, ये देखो ये लोकेशन जो है ना, ये लोकेशन यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना करना, ये देखो, और यहाँ पे जो है ना इसकी आप निशानी रखो, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना क्लिक कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है, फिर यहाँ से हम लोग जो है ना खुद को टेलीपोर्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। टेलीपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे और टेलीपोर्ट टू वे पॉइंट कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं, ये देखो हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे जो ये वाला घर है ना, ये इमरान खान का घर है, ठीक है, ये इमरान खान का घर है जो मैंने बनाया था, ये देखो जरा, बहुत ही ज़बरदस्त घर है, बहुत ही बेहतरीन घर है। इसमें आपको देखो, इसमें आपको जो है ना गैरेज भी मिलते हैं, 3 गैरेज आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ऊपर जाओगे ना यार, ये घर अंदर से बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त घर अंदर से। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अंदर जाओगे ना, तो आपको ये देखो यार, ये बाहर की जगह आपको मिलती है, ठीक है। जैसे जिसे आप इसको क्या बोलते हैं यार, कुछ भी बोलो, यहाँ से आप अंदर आओ, ठीक है। घर देखो जरा, क्या ज़बरदस्त घर है यार। यहाँ पे आपको ओपन किचन मिलता है, ठीक है, ओपन किचन मिलता है। यहाँ पे जो है ना ये देखो सिटिंग एरिया है। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, अगर तो आप रात का टाइम यहाँ पे कर दो ना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइम चेंज करते हैं, ठीक है, रात के टाइम। ये देखो ज़रा, ये चेक करो ज़रा भाई, रात का व्यू घर के अंदर कैसा है, ठीक है, रात का व्यू घर के अंदर कैसा है। यहाँ पे जो है ना भाई ज़बरदस्त किस्म की आग वगैरह लग जाएगी, लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये इमरान खान का बेड है भाई, यहाँ पे इमरान खान सोता है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ का जो है ना वार्डरोब एरिया, यहाँ पे चेंजिंग वगैरह कर सकता है कपड़े वगैरह इमरान खान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना शावर है, यहाँ पे इमरान खान शावर ले सकता है, मॉडर्न किस्म का शावर यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो भाई, यहाँ पे इमरान खान कपड़े धो सकता है, ठीक है, मैं पागल वागल हो गया। उसके बाद ये जो है ना, ये भी वॉशरूम है, ठीक है, यहाँ पे इमरान खान लेट के नहा सकता है भाई, मजे कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर तो इमरान खान का ना शावर लेने का दिल हो, ना ही टब पे नहाने का दिल हो, तो इमरान खान यहाँ पे आके जो है ना भाई स्विमिंग पूल में डुबकी भी लगा सकता है। ये देखो जरा, स्विमिंग पूल में इमरान खान डुबकी भी लगा सकता है भाई, जबरदस्त यार। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जो है ना इमरान खान का पीने शीने का दिल करे तो भाई ये जो है ना मिनी बार है यहाँ पे इमरान खान का, ठीक है, यहाँ पे इमरान खान ले सकता है फिर, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लॉन भी है, यहाँ पे इमरान खान आराम से जो है ना भाई धूप ले सकता है भाई, हवा ले सकता है, कुछ भी ले सकता है जो उसका दिल करता है लेने को। तो उसके बाद ये देखो, यहाँ पे जो है ना पीछे का ना कॉरिडोर है, ठीक है, ये देखो जरा ज़बरदस्त यार, ये वाला घर भी आपको जो है ना मैंने दे दिया भाई। अभी भी आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो, और जो है ना वीडियो को लाइक ना करो, अच्छे अच्छे कॉमेंट ना करो, फिर तो भाई फिर तो लानत बनती है ना फिर तो लानत आप पे, ठीक है यार। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप खुद से फ्लैग वगैरह कैसे बना सकते हो, और खुद से आप जो है ना बैनर वगैरह कैसे बना सकते हो, आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो, अपने शॉप की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, अपने चैनल की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, कि सब्सक्राइब वाला बना के आप लोग लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो भाई पूरे GTA 5 में। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, गुड night and shabba khair.